When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तब मैंने क्या किया? खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तब मुझे मेरा क्या हुआ कि अपना कमरा मिला. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब क्या हुआ था, ये जो एक कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था जो एक दादी माँ और पोते के बीच में था, वो एक कॉमन रूम था उनका, जिस रूम को वो शेयर करते थे, एक साथ रहते थे जिस कमरे में, अब वो भी रूम छिन चुका था. तो अब कह रहे हैं कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब वो छिन चुका था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. जो इन दोनों के बीच, जो दादी और पोते के बीच का जो अलगाव था, इसको बहुत आसानी से उन्होंने स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. क्या है, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील. जो एक स्पिनिंग व्हील उनके पास हुआ करता था, स्पिनिंग व्हील वो होता है जिसे कॉटन से धागे बनाते हैं, तो वो स्पिनिंग व्हील को अब वो छोड़, मतलब वो कभी भी नहीं छोड़ती थी, शेयर वो हमेशा उसी स्पिनिंग व्हील के साथ लगी रहती थी और दूसरों से किसी से बात ज़्यादा नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब कह रहे सुबह से शाम तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के साथ रहती थी और प्रेयर रिसाइट करती रहती थी. ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ दोपहर के वक्त वो क्या करती थी, आराम करती थी और क्या करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी. व्हाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. कह रहे हैं कि जब वो वरांडा पे बैठती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके करती थी और वहाँ पे स्प्रेड करती थी, तो 100 से अधिक, मतलब कह रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, बहुत ज़्यादा संख्या में जो बर्ड्स हैं वहाँ पे कलेक्ट होती थी और वहाँ पे बहुत ही मतलब तेज़ आवाज़, चिरपिंग की आवाज़, जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ होती है उस जगह पे उस समय होती थी. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स. कुछ आती थी उनके पैर पे बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे, सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे भी बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फ्रॉम हर फॉर हर. ये उनके जीवन का, उनके उस दिन का सबसे हंसी वाला, सबसे खुशनुमा हाफ आवर होते थे. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब्रोड जाऊंगा फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं ये बात, मैं 100% श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर क्या होगी, इस बात से अपसेट हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड. तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं 5 साल के लिए बाहर जाऊँगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो इस बात से बहुत परेशान हो जाएंगी और कोई भी इस उम्र का व्यक्ति जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. तो लेकिन उन्होंने इस बात को किया. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और यहाँ तक कि वो सेंटिमेंटल भी, भावुक भी नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो माई एनी इमोशंस. इमोशन, वो कह रहे हैं कि दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्टेशन तक आई और उन्होंने वहाँ पर ना बातें की और ना ही कोई भावना या कोई इमोशन वहाँ पर दिखाया. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. वो कह रहे कि उनके जो lips थे वो सिर्फ move कर रहे थे और वो prayer कर रही थी. Her mind was, उनका दिमाग खोया हुआ था prayer करने में. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी जो fingers थे वो किस चीज़ से बातें कर रहे थे, वो rosary जो हाथ में जाप करने वाली माला होती है उसके beads के साथ बातें कर रहे थे. Silently she kissed my forehead. And when I left, I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. तो चुपचाप से उन्होंने मुझे मेरे फोरहेड पे किस किया और जब मैं and when I left, I cherished the moist imprints as perhaps, तब मैंने वहाँ से जब जाने लगे तो उनको वो जो moist imprints थे उनके किस का जो फोरहेड पे था यानी छाप, वो उसका अनुभव हुआ और उनको ऐसा लगा उस पल कि हो सकता है कि उनकी दादी के साथ ये उनका आखिरी पल हो, फिजिकल कॉन्टेक्ट हो. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन.
पाँच साल के बाद, पाँच वर्षों के बाद वो क्या होते हैं, खुशवंत सिंह जब लौट के आते हैं तो उनको वापस से उनकी दादी माँ स्टेशन पे मिलती है, और शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और ऐसा था कि वो एक भी दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा बूढ़ी लग रही हों। पाँच वर्षों के बाद भी जब वो उनसे मिले तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा वो उनको छोड़ के गए थे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब भी बातें करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल्स शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा तो मैं सुन सकता था वो कैसे प्रार्थना करने की जो आवाज़ है वो सुन पा रहे थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी पेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, कह रहे हैं कि जो पहला दिन भी था ना तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव उनको नहीं दिखा। वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स उनका उस दिन भी कैसा था, स्पैरोज के साथ वो समय बिताती थी जो दोपहर के वक्त, वैसे ही समय वो उस दिन भी बिता रही थी जैसे वो पहले के समय बिताया करती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम के वक्त उन्होंने उनमें थोड़ा सा बदलाव देखा। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो कहते शाम के वक्त क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा बदलाव मुझे दिखा जो वो कभी नहीं करती थी, वो कभी प्रेयर को अपना बंद नहीं करती थी, लेकिन उस दिन शाम को उन्होंने प्रेयर नहीं किया, उन्होंने मोहल्ले की औरतों को जमा किया, एक ड्रम लिया और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वो कहते काफ़ी घंटों तक वो उस ड्रम को बजाती रही और वो गीत गाती रही जिसमें जैसे वैसा गीत था जैसे कि कोई युद्ध योद्धा जो घर वापस आता है तो उस समय जैसे गीत गाते हैं वैसा गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों को उन्हें मना करना पड़ा, उनके पास जा करके उनको मना करना पड़ा ताकि उनको अधिक तनाव ना हो, वो इतनी देर तक गाती रही थी। That was the first time since I had known her that she did not pray. वो मैं जब से उनको जानता था यह पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने उस शाम प्रेयर नहीं किया था। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. अगली सुबह वो बीमार हो गई थी और ये बुखार जो था बहुत ही हल्का था, डॉक्टर ने कहा कि यह जल्दी ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग तरीके से ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत अब आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो कह रही है क्योंकि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है तो अब वो क्या करेंगी, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोगों से बातें करके, वो अब प्रेयर करके अपना समय गुजारना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इसका विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट्स, शी ले पीसफुली एंड बेड प्रेइंग, पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो क्या हुई कि वो चुपचाप से लेटी रही बेड पे, प्रेयर करती रही और अपने बीट्स के साथ बातें करती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. कह रहे हैं कि जब तक हम सोचते, हम सस्पेक्ट करते कि दादी को कुछ हो गया है, उससे पहले क्या हुआ, उनका लिप्स जो है वो मूव करना बंद कर चुका था और उनके हाथों से वो जो रोजरी था, वो जो जाप करने वाली माला थी, वो अब उनके हाथों से स्लिप होकर के नीचे गिर चुकी थी। अब पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, अब उनके चेहरे पे क्या थी, एक पीसफुल पैलर, एक कैसा था कि अब शांत चेहरा जो है हो सकता है और पीला पड़ा हुआ चेहरा उनका हो चुका था और अब वो डेड हो चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, कह रहे कि जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज हुआ करता था, हमने उनको उठाया बेड पर से और उनको ज़मीन पर लिटा दिया और उनको कवर किया रेड श्राउड से, लाल जो कवरिंग होती है उससे हमने उनको कवर किया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन
टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। उनको कुछ देर तक उनके पास बैठ कर के शोक मनाने के बाद हम लोग क्या गए, उनके फ्यूनरल के इंतज़ाम के लिए निकले। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग शाम को गए उसके स्ट्रेचर एक लेकर के उनके कमरे में, ताकि उनको ले जा कर के क्रिमेट किया जा सके, अंतिम संस्कार उनका किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लाइट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम का वक्त था और सूर्य क्या होता, सन अभी सेट हो रहा था, और इस समय जो रूम था उनका और बरांडा जो था वो गोल्डन लाइट से प्रकाशित था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आधे रास्ते तक जा कर के हम रुक गए कोर्ट यार्ड में, आंगन में। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर द वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कह रहे कि वहाँ पे वरांडा पे जो उनका कमरा था, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे वो मृत पड़ी हुई थी और वो लाल श्राउड कवरिंग था उनका, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो थे वहाँ पहुँच गए थे। वो जो बर्ड्स थे छोटे छोटे जिनको वो खिलाया करती थी, वो बर्ड्स वहाँ पहुँच गए थे और चारों ओर फ्लोर पे स्कैटर्ड हो गए थे, यानी फैल गए थे। देयर वॉज नो चिरपिंग, कह रहा कि किसी भी तरीके के चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हम लोगों को उन बर्ड्स के लिए काफ़ी दुख हो रहा था और मेरी माँ उन बर्ड्स के लिए क्या हुई, कुछ रोटियाँ लेकर के आई। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटा, तोड़ा, और द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उन चिड़ियों के आगे डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने उन रोटी के टुकड़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब वो मेरी ग्रैंड मदर के लाश को उठा करके ले जा रहे थे, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से वहाँ से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन जो वो झाड़ू देने वाला स्वीपर जो होता है उसने ब्रेड के टुकड़ों को क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल लाइक वॉट एवर द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन राइट नाउ। सो इफ यू लाइक दिस, please like, share and subscribe. Thank you very much.